ओम शांति। हम सभी प्रवृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं प्रवृत्ति के प्रभाव से मुक्त मानो निवृत्ति में रहते हैं ऐसी स्थिति बनाने वाले हैं। सन्यासी तो घर छोड़कर निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रवृत्ति में रहते हुए ये सन्यास करना है, अर्थात निवर्त रहना है। मनोविकारों से भी निवर्त, पाप कर्मों से भी निवर्त, मोह ममता से भी निवर्त, तेरी मेरी व्यर्थ की इच्छाओं से भी मुक्त। ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है और उन महात्माओं के लिए भी आदर्श है जो जंगल में जाकर या संन्यास लेकर भी निवर्त नहीं हो पाते हैं। हमें निवर्त होकर मुक्त होकर दिखाना है और इसकी विधि है सदा आत्मिक भाव में रहना, निमित्त भाव में रहना, समर्पण भाव में रहना। मैं निमित्त हूँ इस घर का, इस संगठन का, इस सेवा का। करण करावनहार बाबा है, अब हमारा वो साथी बन गया है, हमारे परिवार का मेंबर बन गया हेड बन गया है। अब बस उसकी आज्ञा अनुसार हमें चलते रहना है और अपनी प्रवृत्ति को गृहस्थ आश्रम बना देना है। ऐसा आश्रम जहाँ आकर सभी सुख चैन की सांस लें, जहाँ आकर सभी को ईश्वरीय बल मिल जाए, जहाँ आकर सभी अपने परम पिता से मिल सके, प्यार पा सके। तो हम आत्मिक भाव में रहें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को 3 4 5 बार इस दृष्टि से देखें, ये सब आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं सतयुग से चली आ रही हैं, अपने घर से आई थी और जन्म जन्म इस सृष्टि नाटक में हमने पार्ट बजाया। कितनी बार हम साथ रहे, कितनी बार हम अलग हुए, अब पुनः हम साथी बन गए हैं। अब हम सबको ये सब कुछ यहीं छोड़कर वापिस जाना होगा। ये आत्मिक भाव, ये आत्मिक चिंतन हमें बहुत उपराम कर देगा। दूसरी बात, निमित्त भाव। हम निमित्त हैं परिवार को चलाने के, जिम्मेदारियों में भी हम निमित्त हैं। ये नहीं मैं मालिक हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं घर संभालने वाली हूँ, मैं ही घर की मालकिन हूँ, निमित्त हूँ। इससे बहुत हल्कापन रहेगा, जीवन सुखी हो जाएगा और कोई भी जिम्मेदारी बोझ प्रतीत नहीं होगी। ऐसे ही समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, अपने परिवार, बच्चों को, सबको देखकर, धन संपदा को देखकर, रोज संकल्प कर ले एक बार गहरे मन से, सच्चे दिल से, बाबा ये सब कुछ आपका है। कर्म भी समर्पित भाव से करें, कर्म के परिणाम को भी बाबा पर अर्पित कर दिया करें। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है, ऐसे गुड फीलिंग के साथ हम समर्पण भाव को बढ़ाते चलें। इससे मैंपन, मेरापन छूटता जाएगा और हमारी स्थिति महान बनती जाएगी। तो आइए हम सभी गृहस्थ में रहते हुए अपनी स्थिति को निरंतर योग युक्त बनाए, महान बनाए। कभी हम श्रेष्ठ स्वमान में रहें, तो कभी हम बाबा से प्यार भरी बातें करते रहें, कभी हम सुदर्शन चक्रधारी होकर रहें, तो कभी बाबा की किरणें प्राप्त करते रहें। आज सारा दिन
हम निमित्त भाव में रहेंगे और अपने परिवार को इस दृष्टि से देखेंगे। ये सब आत्माएं, महान आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं हमारे परिवार में इकट्ठी हुई हैं। हमें निमित्त बनकर इनकी पालना करनी है और फील करेंगे हमारे पूरे परिवार के ऊपर शिव बाबा की छत्र छाया है। ओम।